दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन। समाज को एक नई दिशा देने व जरूरतमंद छात्रों की प्रतिभा निखारने के लिए पुलिस विभाग भी आगे आने लगा है। इसकी पहल नाहन से हुई है। पुलिस के सौजन्य से नाहन पुलिस लाइन में हर रविवार को पुलिस पाठशाला आयोजित की जाती है, जिसमें एक निजी स्कूल के अध्यापक इन बच्चों को गणित, विज्ञान सहित विज्ञान संकाय पर जानकारियां देते हैं। ये निःशुल्क पाठशाला विशेष तौर पर विज्ञान के छात्रों के लिए आयोजित की जाती है। बच्चे अपने पूरे सप्ताह के कार्य प्रश्नों के उत्तर यहाँ प्राप्त करते हैं। पुलिस पाठशाला में अधिकांश सरकारी स्कूलों के बच्चे यहाँ कोचिंग लेने आ रहे हैं। पहले इस विशेष पाठशाला के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाता है व उसमें चयनित बच्चों को ही इस पाठशाला में पढ़ाया जाता है। पुलिस अधीक्षक सिरमौर अजय कृष्ण शर्मा ने बताया, क्या आपको जानकारी है कि जिला पुलिस सिरमौर ने निशुल्क पुलिस पाठशाला द्वितीय 9 सितंबर से नाहन में स्टार्ट की है। पहली पाठशाला आपको ध्यान में होगा कि जब मैं कमांडेंट 6th IRBN था तो धौलाकुआ में भी इसी तरह की निशुल्क पुलिस पाठशाला का शुभारंभ किया गया था। बेसिक मकसद इस पाठशाला को शुरू करने का यही रहा है कि ऐसे ज़रूरतमंद बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन पैसे के अभाव में ट्यूशन का पैसा अफोर्ड ना कर पाने की वजह से ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए एक मदद पढ़ाई में करने का ये प्रयास रहा है। पाठशाला हर संडे को हम चलाते हैं धौलाकुआ के पैटर्न पे और 10 बजे से 1 बजे तक ये पाठशाला पुलिस लाइन नाहन में चलती है, जिसमें एक एक घंटे के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पढ़ाए जाते हैं। और मैंने भी बच्चों से बीच बीच में आके संडे को इंटरेक्शन किया है तो उन्होंने भी अपनी प्रसन्नता जाहिर की है और संतुष्ट हैं। जो भी पढ़ाई करवाई जा रही है उन्होंने बताया है कि ये जो इनपुट हमें दी जा रही हैं ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी हैं और उनको इसमें हेल्प मिल रही है। सिरमौर पुलिस का ये प्रयास बहुत ही कामयाब साबित हो रहा है। यहाँ पढ़ने वाली छात्राओं ने बताया, मैं प्लस टू क्लास में पढ़ती हूँ और यहाँ पे हमें मतलब फ्री में कोचिंग दी जा रही है। मतलब SP सर की वजह से हमें फ्री में कोचिंग दी जा रही है और हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे अच्छी स्टडी हो रही है। अगर प्राइवेट में कोचिंग लेना पड़ता तो ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है ना? यस, वहाँ पर मतलब ज़्यादा मतलब 500 से 500 से ज़्यादा फीस होती थी, जबकि यहाँ पे तो हमें मतलब अच्छे से टीचर्स है और अच्छी तरह से कोचिंग दी जा रही है। तीनों फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। शर्मा फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आई स्टडी इन प्लस टू क्लास। पुलिस SP सर हमारे स्कूल में आए थे, उन्होंने हमसे इंटरेक्शन की थी और वहाँ पर उन्होंने इशू उठाया था कि कौन बच्चे ट्यूशन नहीं जा सकते और क्या क्या उसके इफ़ेक्ट आपको मिल रहे हैं। तो उन्होंने हमारे लिए कोचिंग की है हमारे लिए और वो उन्होंने अपने ही पुलिस डिपार्टमेंट के एरिया में की है और अरिहंत के टीचर्स हमें स्टडी दे रहे हैं यहाँ पे और ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है हमारे लिए। हम इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव भी कर रहे हैं। दिव्य हिमाचल TV के लिए नाहन से राकेश थापा की रिपोर्ट। भूषण ज्वेलर्स सोलन, पारंपरिक एवं आधुनिक आभूषणों का वो नाम जो आपके गहनों के साथ लेकर आता है बहुत सारे आकर्षक इनाम। भूषण ज्वेलर्स सोलन एक बार फिर से लेकर आया है स्वर्ण समृद्धि योजना। भूषण ज्वेलर्स में खरीदारी पर पहला इनाम 2.5 लाख के आभूषण, जबकि दो भाग्यशाली विजेताओं को दुबई टूर पर जाने का अवसर मिलेगा। योजना के तहत मिलेंगे कुल 101 इनाम, जिनमें 3 एक्टिवा स्कूटर, 5 LED TV 32 इंच, 5 वॉशिंग मशीन, 15 ट्रॉली बैग, 15 डिनर सेट, 15 इंडक्शन, 15 क्विल्ट सेट व 15 स्टीम प्रेस। भूषण ज्वेलर्स गुणवत्ता व बेहतरीन सर्विसेज की बदौलत ग्राहकों की पहली पसंद, साथ ही ग्राहकों को हो रहा अपनेपन का एहसास। डायमंड की खरीद पर 40% की छूट। स्वर्ण समृद्धि 10 सितंबर से 14 दिसंबर तक। लाजवाब है भूषण के आभूषण। भूषण ज्वेलर्स के MD विनय गुप्ता बताते हैं कि चाहे स्वर्ण आभूषण हो, हीरे या फिर चांदी के आभूषण, भूषण ज्वेलर्स में आकर्षक व आधुनिक डिजाइन का विस्तृत रेंज उपलब्ध है। यही कारण है कि बहुत कम समय में प्रदेश के नामी ज्वेलर्स में शुमार हो गए। तो आज ही चले आइए भूषण ज्वेलर्स।